नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन और हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू किचन यूटेंसिल्स एंड एक्सेसरीज। हमारे इस टॉपिक में हम आपको ऐसे एसेंशियल यूटेंसिल्स और एक्सेसरीज से मुतारिफ कराएंगे जिनसे ना सिर्फ आपकी किचन एक्टिविटीज़ बहुत आसान बल्कि दिलचस्प हो जाएंगी। अगर आप अपने किचन को नए सिरे से सेट करने वाले हैं या अपनी नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं तो हमारी इस एसेंशियल किचन यूटेंसिल्स लिस्ट को अपनी तरजीहात में ज़रूर शामिल रखिए। हम इन यूटेंसिल्स और एक्सेसरीज को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं और हर कैटेगरीज में वो तमाम चीज़ें जो नाम से वाजे ना हो उनको डिस्क्राइब करेंगे। जो चीज़ें नाम से वाजे हैं उनको मज़ीद डिस्क्राइब नहीं करेंगे। कैटेगरीज ऑफ किचन यूटेंसिल्स एंड एक्सेसरीज। 1. फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट। 2. कुकिंग इक्विपमेंट। 3. सर्विंग इक्विपमेंट। 4. फूड स्टोरेज कंटेनर इक्विपमेंट्स। आइए देखते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन से किचन यूटेंसिल और एक्सेसरीज की ज़रूरत होती है। फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट, नाइफ, चॉपिंग बोर्ड और कटिंग बोर्ड, किचन सीजर, मिक्सिंग बोल, मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स, गार्लिक प्रेस, ग्रेटर, कोलेंडर और पास्ता स्ट्रेनर, सिव, वेजिटेबल पीलर, रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड, कैन ओपनर, ब्लेंडर। ये हैं हमारे फ्रूट प्रिपरेशन इक्विपमेंट्स। इनमें से कुछ नाम आपके लिए बिल्कुल नए होंगे जैसे कि कोलेंडर और पास्ता स्ट्रेनर। कोलेंडर और पास्ता स्ट्रेनर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम अपने किचन में चावल का पानी ड्रेन आउट करने के लिए स्ट्रेनर यूज़ करते हैं उसे हम कोलेंडर कहते हैं। पास्ता कोलेंडर डिफरेंट टाइप का होता है जो कि प्लास्टिक फॉर्म में भी दस्तयाब होता है। इसलिए पास्ता स्ट्रेन करने के साथ साथ हम अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल, गोश्त वगैरह को भी इस कोलेंडर में धो सकते हैं ताकि उसका इजाफी पानी निकल जाए और हमारे फ्रूट, वेजिटेबल्स या मीट आइटम कुकिंग के लिए तैयार हो जाएं। इसी तरह सिव, सिर्फ बेकिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक जान करने के लिए। वो छन्ना जिसमें आप 2 से 3 दफ़ा चीज़ों को छानते हैं तो वो यकजान हो जाता है, लेकिन इसी छन्नी में हम अपनी दालों और चावलों को धोएं तो हमारे दाल और चावल ज़ाया होने से महफूज हो सकते हैं। किचन सीज़र, ये भी एक बहुत एसेंशियल किचन इक्विपमेंट है। अगर आप अपने ड्राई फ्रूट्स को बहुत फाइनली कट करना चाहते हैं या फिर वेजिटेबल्स को या मीट की स्ट्रिप्स काटना चाहते हैं तो किचन सीजर आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। मेजरिंग स्पून्स के थ्रू आप अपनी रेसिपीज़ को बहुत ऑथेंटिक बना सकते हैं और हमेशा उतना ही मज़ेदार बना सकते हैं जितना आपने पहली दफ़ा बनाया हो। मेजरिंग स्पून्स के थ्रू अगर स्पाइसेस में कभी ऊंच नीच रह जाए तो आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स कर सकते हैं। ये थे हमारे फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है कुकिंग इक्विपमेंट। फ्राइंग पैन, सॉस पैन, कढ़ाई, कुकिंग पॉट्स, ओवन प्रूफ डिश, रोस्टेड टिन, बेकिंग शीट्स, स्टरिंग स्पून्स, स्लॉटेड स्पून्स, स्पैचुला, टोंग्स, बलून विस्क, ओवन ग्लव्स एंड पॉट होल्डर्स।
ये हैं हमारे कुकिंग इक्विपमेंट्स। फ्राई पैन हम सभी को पता है कि शैलो फ्राइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सॉस पैन सॉस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एसेंशियल होते हैं। कढ़ाई में हम डीप फ्राइंग एक्टिविटीज़ करते हैं। पॉट्स डिफरेंट साइज़ के होते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें जो पॉट का साइज़ चाहिए होता है उसमें हम डिफरेंट किस्म के सालन चावल वगैरह बना सकते हैं। स्टरिंग स्पून्स के लिए वुडन स्पून्स आइडियल होते हैं। इससे आपका फूड भी महफूज रहता है और अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आपके नॉन स्टिक पैंस भी महफूज रहते हैं। स्लॉटेड स्पून्स वो स्पून्स होते हैं जो हम भूनने के वक्त इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपने सालन ग्रेवी या कढ़ाई का इजाफी पानी को खुश्क कर सकते हैं। स्पैचुला वैसे तो बेकिंग एक्टिविटीज़ में बहुत एसेंशियल इक्विपमेंट है, लेकिन अगर आप स्क्रैम्बल्ड एग खाने के शौकीन हैं तो स्पैचुला आपके लिए आइडियल स्पून है स्क्रैम्बल्ड एग तैयार करने का। इसी तरह आपके फूड आइटम को फ्राइंग पैन से रिमूव करने के लिए भी स्पैचुला बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। टोंग एक चिमटा स्ट्रक्चर का स्पून है जिसकी एक साइड डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, यानी एक साइड पे स्लाइसर हो सकता है, कीफ हो सकता है या वो छन्ना टाइप चम्मच हो सकता है जिससे हम डीप फ्राइंग के दौरान पकोड़े वगैरह फ्राइज वगैरह डिश आउट करते हैं। यानी चिमटे की एक साइड स्लाइसर कीफ या छन्ना होगा, दूसरी साइड बिल्कुल वैसे ही होगी जो रोटी टर्न करने के लिए चिमटे की होती है। टोंग बहुत एसेंशियल और इफ़ेक्टिव टूल है, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि फ्राइंग के दौरान आपका फूड डैमेज होने से महफूज रहे तो टोंग आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। पॉट होल्डर्स हमें पॉट्स और पैन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। हमारे हाथ इन पॉट होल्डर यानी स्क्वायर किचन टावल यानी स्क्वायर पीस ऑफ फैब्रिक जिससे हम अपने पॉट या पैन को ग्रिप करें। ये थी हमारी कैटेगरी कुकिंग इक्विपमेंट्स। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी सर्विंग इक्विपमेंट्स डिनर सेट, फ्रूट सेट, वाटर सेट, टी सेट, कटलरी सेट, लेडल, पास्ता फोक्स, पिज्ज़ा कटर। ये थे हमारे सर्विंग इक्विपमेंट्स। ये तमाम सर्विंग इक्विपमेंट्स हमारे किचन के लिए असेंशियल हैं। लेडल वो स्पून होता है जो दाल सूप या किसी लिक्विड आइटम को सर्व करने में मददगार साबित होता है। पास्ता फोक और पिज़्ज़ा कटर अपने नाम से ही वाजे होते हैं कि वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हैं हमारे सर्विंग इक्विपमेंट्स। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, फूड स्टोरेज इक्विपमेंट्स। प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक जिपिंग बैग्स, ब्रेड बिन्स। प्लास्टिक कंटेनर में हम बहुत सा अपना सामान फ्रिज और फ्रीज़र में बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं, और अगर हमारे प्लास्टिक कंटेनर माइक्रोवेव प्रूफ हैं तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। प्लास्टिक जिपिंग बैग्स में हम बहुत सी वेजिटेबल्स और फूड आइटम को फ्रिज में कम जगह पे आसानी स्टोर कर सकते हैं। ब्रेड बिन्स में डबल रोटी ज़्यादा देर तक फ्रेश रह सकती है। ये थी हमारी असेंशियल किचन यूटेंसिल्स एंड एक्सेसरीज लिस्ट। उम्मीद है आपने हमारे इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए
कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।